हाय एवरीवन, आज हम लोग 8 स्टैंडर्ड के 8 लेसन की सेकंड पार्ट पार्लियामेंट फंक्शंस आज स्टार्टेड बिलो पढ़ने जा रहे हैं। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट, टू मेक लॉज एंड मेक अडमेंट इन देम। तो लोकसभा का मेन फंक्शन होता है कंट्रोल द गवर्नमेंट, सरकार को कंट्रोल करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और गाइडेंस, इसको इंफॉर्मेशन देना और गाइडेंस देना, टू मेक लॉज एंड मेक अडमेंट इन देम, कानून बनाना और कानून में संशोधन लाना। 1.8.1 द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पिक्चर है ये। वन पार्टी इज आउटर साइड एंड अनदर पार्टी इज इनर साइड, एक बाहर की पिक्चर है और दूसरा अंदर की पिक्चर है। देन हाउ इज लोकसभा फॉर्म, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा कैसे बनती है। द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा आर कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे, दोनों लोकसभा और विधानसभा सेम प्रोसेस में दोनों ही बनती है या दोनों का मतलब गठन होता है। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years, ईच कंस्टिट्यूंसी इज रिप्रेजेंट बाय 1 इलेक्ट मेंबर इन पार्लियामेंट, हर 5 साल में एक बार लोकसभा की इलेक्शन होती है और हर निर्वाचन मंडल से, कंस्टिट्यूंसी मीन्स निर्वाचन मंडल, जहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक पर्सन जो स्टैंड करता है और वो पार्लियामेंट के मेंबर बन के जाता है। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट फॉर द सीट इन पार्लियामेंट आर यूजुअली एक्टिव इन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, जो कैंडिडेट्स होते हैं जो स्टैंड करते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं जो स्टैंड करते हैं इलेक्शन में, उनको ज़्यादातर पॉलिटिकल या राजनीति में इंटरेस्ट होती है। द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड कैंडिडेट या जो चुने हुए प्रतिनिधि को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है या फिर MP बोला जाता है। ऑल दीज इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा, ये सारे मेंबर मिलकर लोकसभा फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हाउ इज रूलिंग पार्टी फॉर्म, रूलिंग पार्टी कैसे बनती है। After the election of Lok Sabha, party-wise list of all the members of the parliament is formed. Lok Sabha election के बाद जो party-wise उसकी जो list होती है, किस किस पार्टी से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसके बाद उसके ऑल द लिस्ट, उसके बाद वो मतलब ये पार्लियामेंट जो है उसके मेम्बर्स की लिस्ट पहले बताया जाता है। फ्रॉम दिस लिस्ट इट बिकम्स क्लियर हाउ मैनी मेम्बर्स फ्रॉम विच पोलिटिकल पार्टीज आर देयर, इस लिस्ट से पता चल जाती है कि कौन से पार्टी से कितने मेंबर चुने गए हैं। इफ एनी पार्टी वांट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन देयर शुड बी अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम दैट पार्टी, तो अगर कोई पार्टी या फिर दल अपना सरकार बनानी चाहती है तो फिर उस दल की जितने मतलब मेंबर चुने गए हैं उसमें से उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए या फिर संख्यागरिष्ठता होनी चाहिए। आफ्टर द इलेक्शंस द लीडर ऑफ द पार्टी और कोलिनेशन ऑफ द पार्टी विच हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन द लोकसभा, उसके बाद जो कुछ जो इलेक्शन के बाद जो पार्टी मेजोरिटी होती है या फिर जो गठबंधन करते हैं अगर मेजोरिटी नहीं है तो उनकी जो मेन जो लीडर होते हैं उनको लोकसभा का प्राइम या फिर प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से उनको चुने जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, और जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी की जो शासन करने वाली दल की मेन लीडर होते हैं या फिर मुख्य होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी, फिर उसके दल से प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, मिनिस्टर या मंत्रियों को चुनाव करते हैं। इन दिस वे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरह से मंत्रिपरिषद की गठन होती है। द मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर्स टेक ऑल द डिसीजन, मिनिस्टर और साथ में प्राइम मिनिस्टर मिलकर कोई निष्पत्ति लेते हैं। दिस मिनिस्टर्स टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स सच एज हेल्थ एजुकेशन फाइनेंस एक्सेट्रा, तो द मिनिस्टर टेक केयर ऑफ, मिनिस्टर क्या करते हैं, मंत्री लोग क्या करते हैं, दायित्व लेते हैं या फिर अपने जिम्मेदारी लेती है क्या करने, जो अलग अलग मंत्री पद की या अलग अलग डिपार्टमेंट की, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक वगैरह। इच मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंत्री
जिस पदवी के लिए, जिस मतलब विभाग के लिए चुने जाते हैं या फिर मंत्री बनते हैं उसके लिए वो उत्तरदायी रहते हैं। फिर हाउ इज राज्यसभा फॉर्म, फिर राज्यसभा कैसे बनती है या अपर हाउस जो है वो कैसे बनती है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेंबर फॉर राज्यसभा। फिर उस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। देर आर 25 मेंबर्स इन राज्यसभा, इसमें से 250 मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं। आउट ऑफ देम 238 आर इलेक्टेड, उसमें से 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। द रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बचे हुए 12 मेंबर जो होते हैं उन्हें अपने जो राष्ट्रपति के द्वारा वो चुने जाते हैं। द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, इस तरह से राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होती है। इट नेवर गेट्स डिजॉल्व कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से कभी भंग होता नहीं है। वन थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एवरी टू ईयर्स, उसमें से एक तिहाई मेंबर जो है हर दो साल में रिटायर्ड होते हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग देयर सिक्स ईयर, और उनकी कार्यकाल 6 साल पूरे होने के बाद। एंड द न्यू मेंबर्स आर इंक्लूड, उसके बाद नए सदस्यों को शामिल किया जाता है। जो राज्यसभा रिप्रेजेंट द सीट्स ऑफ आवर कंट्री, राज्यसभा जो है रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट ऑफ, हमारे हर राज्य की जो प्रतिनिधि को वो मतलब रिप्रेजेंट करती है। द राज्यसभा ऑल्सो आन प्रपोज अ बिल, उसके बाद राज्यसभा बिल भी प्रपोज करती है फिर बनाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव टू कॉन्टेस्ट ऑफ द राज्यसभा बिफोर पासिंग एनी बिल, उसके बाद जो कोई भी बिल जो है वो राज्यसभा पहले पास होना जरूरी होते हैं। दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यू द बिल्स पास बाय द लोकसभा, ये पार्लियामेंट की जो ये हाउस है इसमें कोई भी बिल की रिव्यू होती है फिर उसके ऊपर मतलब सबकी मत लिया जाता है। दस द रोल ऑफ राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से राज्यसभा की रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ राज्यसभा इज नोन एज द चेयरमैन, जो पर्सन जो राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं उनको चेयरमैन बोला जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं इंडिया के, वो राज्यसभा के चेयरमैन के हिसाब से गिने जाते हैं या फिर वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। देन 8.2 क्वेश्चन आवर सेशंस इन पार्लियामेंट, उसके बाद ये एक पिक्चर है क्वेश्चन आवर सेशन, एक राज्यसभा की जो मेन कैसे उसकी कार्यकाल होता है मतलब उसके अंदर कैसे कार्रवाई होती है उसके लिए पिक्चर बताया गया है। व्हेन द पार्लियामेंट इन अ सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, जब मतलब पार्लियामेंट सेशन शुरू होते बिगिनिंग ऑफ द टाइम फॉर द क्वेश्चन आवर इज डिसाइडेड अपन, उसके बाद पहले जो क्वेश्चन आवर के लिए टाइमिंग डिसाइड हो जाती है किसको कितने समय मिलेगी अपने क्वेश्चन या प्रश्न उत्तर करने की। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स, इस क्वेश्चन आवर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट के काम के ऊपर उसकी मतलब क्वेश्चंस मतलब इंफॉर्मेशन सब इकट्ठा करके रखता है। दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, इस तरह से पार्लियामेंट जो है हमारे एग्जीक्यूटिव कार्यकारी को कंट्रोल करती है। थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट्स लूपहोल्स, तो इस तरह से क्वेश्चन आवर के जरिए जो सरकार की दृष्टि को आकर्षित करते हैं सरकार के जो काम के ऊपर। इन दिस वे द गवर्नमेंट कम्स टू नो अबाउट द व्यूज एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से तो फिर जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने मत रखने की वजह से सरकार को लोगों के दुख तकलीफ जो भी होती है लोगों के बारे में पता चलती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, एक मेंबर के लिए बहुत ये होता है वो अपने सरकार को प्रश्न करता है कि उसको क्या कमी है फिर या फिर वो क्या करना चाहता है। द ऑपोजिशन पार्टी प्लेज अ मेजर रोल इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, जो अपोजिशन पार्टी होते हैं उनको भी राइट्स होते हैं इसमें पूछताछ करने के लिए, इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इट इज हाईलाइट्स द लूपहोल्स इन द पॉलिटिक्स एंड द
प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी जो है ये लोगों की जो पॉलिसी जो होती है, लोगों के जो सरकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको लोगों के लिए हाईलाइट करती है। तो पर्सन हु प्रेजेंट्स ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। और जो पर्सन पूरी लोकसभा की जो क्वेश्चन आवर को कंट्रोल करती है या फिर पूरी सेशन को कंट्रोल करती है उसको स्पीकर बोला जाता है। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इस तरह से प्रेसिडेंट जो है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट। और बिल दैट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस कैन बिकेम अ लॉ ओनली आफ्टर हिज सिग्नेचर। उनके बिल, एक बिल जो है, एक कोई भी बिल होती है वो जाके लॉ में बदलता है सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही। ही हैज द पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंस द कंप्लीटेशन ऑफ सेशन टू। और उनकी ये भी पावर होता है, वो मतलब कभी पार्लियामेंट की बैठक बैठेगी जो वो तय करते हैं और फिर अनाउंस द कंप्लीटेशन ऑफ द सेशन, कोई सेशन की कब ख़त्म होता है उसकी भी अनाउंसमेंट राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति की भूमिका भी बहुत होती है हमारी पार्लियामेंट में या फिर हमारे जो सरकार के अंदर। तो ये थी बच्चों आपके सेकंड पार्ट जो